नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के असमोली क्षेत्र के गांव मतवाली पट्टी जग्गू में पहुंची एससी एसटी आयोग की सदस्य साध्वी गीता। एससी एसटी आयोग की सदस्य ने एडीओ पंचायत से कहा कि शौचालय में जो दो नाम बताए हैं वही दो महिलाएं रखी जाएंगी, हमारा आदेश है। इस बात को लेकर ग्रामीणों का विरोध उभर गया और सदस्य को फजीहत झेलनी पड़ी। मतवाली पट्टी में सार्वजनिक शौचालय में सफाई कर्मचारी रखे जाने को लेकर गाँव वालों के बीच पहुंची एससी एसटी आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान सबसे पहले अपने परिचित रेविका के घर पहुंची और बाद में ग्रामीणों से वार्ता की। इसके बाद एडीओ पंचायत को फोन करके कहा कि हमें बताएं कि सफाई कर्मचारी के पद के लिए कौन कौन आवेदक है। इस पर एडीओ पंचायत ने कहा कि सभी ग्रामीण और प्रधान की सहमति से जो नाम आए हैं वो सुशीला पत्नी धर्मवीर, इस पर साध्वी गीता प्रधान हैं, भड़क उठी और बोली कि रेविका व पत्नी रवि और सुशीला पत्नी धर्मवीर दोनों ही एक एक दिन काम करेंगी। संबल संवाददाता मोहम्मद अली की रिपोर्ट। सदस्यों ने मुझे जोड़ कर रखा, गांव के जितने मेंबर हैं और गांव के जितने भी आदमी हैं उन्होंने सबने मुझे गरीब समझ के वहां पे जोड़ रखा है कि आप काम करेंगे। और उसके दौरान ग्राम प्रधान जी भी कहा, उसके दौरान 60,000 रुपए गीता साध्वी को दिए हुए हैं जो राज्य मंत्री आज की डेट में उन्होंने हमारे पक्ष की नहीं कही कुछ भी, वो रवि की पक्ष में कही जो जिसके यहाँ दो सरकारी नौकरी है, इसलिए उन्होंने हमें हटाने की कोशिश कर रही है। वो हम गरीब आदमी कहा जाए या तो आत्महत्या करेंगे, वो हमारे आत्महत्या गीता साथ भी ही जानेंगे वो चीज के लिए। क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि आप नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसे ये कि उनके पास 60,000 रुपया गया हुआ है और गांव वालों को पता है कि इसकी सास रेविका की सास ने खुद ने कहा है कि रो रो के कि मेरा 60,000 रुपया गया, चीज बेच के गया है, इतने दिया कौन देगा वो, इसलिए सब गाँव वालों को पता है हमारे एक पास एक रुपया नहीं, हमारी झोपड़ी है, हम कहाँ से देंगे इतना रुपया। हमारा गांव मदद कर रहा है, गांव साथ पूरा है, गांव साथ दे रहा है, हमारा गरीब आदमी समझ कर दे रहा है, तो इसलिए हम तो ये कहते हैं हमारा कुछ साथ देने वाला नहीं है। गीता साध्वी राज्य मंत्री गीता साध्वी जी वो भी नाराज होकर चली गई। देविका